हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग? कैसा लग रहा है पढ़ाई करते हुए? ठंडे ठंडे मौसम में मजा आ रही होगी, बढ़िया लग रहा होगा। चलो, हमने अपने टॉपिक को कल खत्म कर लिया था। कितना खत्म किया था बेटा? हमने आर्टिकल 12 आपको समझा दिया था मौलिक अधिकार के रिलेशन में। कहने का मतलब क्या था बच्चा? कहने का मतलब ये था, जो मौलिक अधिकार है उसमें आर्टिकल 12 का क्या रोल है। आर्टिकल 12 का रोल ये था, एक क्विक रिविजन लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? छोटी सी बात समझ लो, उसके बाद जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब बच्चा ये है, आर्टिकल 12 जो था वो मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दे रहा था। मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दे रहा था, मतलब राज्य ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो, यानी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है? तो राज्य जो भी कार्य करेगा, जो भी चीजें करेगा, वो ऐसी चीजें या ऐसे कानून बनाएगा या ऐसी चीजें करेगा सामाजिक कल्याण के प्रति जो हमारे मौलिक अधिकारों को चोट ना पहुंचाए, आहत ना करे, ठीक है? ये हमने राज्य की परिभाषा को पढ़ लिया था। हमारे, मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडिया में जो मौलिक अधिकार है उसे इंडिया का क्या कहा जाता है? उसे इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी हमारे भारत का मैग्ना कार्टा कहलाया जाता है। सोर्स क्या है? वो बिल ऑफ राइट्स है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है, यानी कि हमारे फंडामेंटल जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए, सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? तो वो है अमेरिका, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स, यानी उन्होंने जो संशोधन किया था वहां पर, जो फंडामेंटल राइट्स उन्होंने अपने देशवासियों को दिया था, तो क्या करके दिया था? बिल ऑफ राइट्स के नाम से संशोधित करके दिया था। इतनी बात समझ में आ गई थी, ठीक है? अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 को। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आर्टिकल 13। तो देखो, समझो आर्टिकल 13 क्या कह रहा है। कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी बात बताई थी। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है बेटा? आर्टिकल 13 कहता है, सुनो, आर्टिकल 13 दो बातें, तीन बातें एक्चुअली बता रहा है। सुनो, आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? ये लॉ की परिभाषा दे रहा है, विधि की परिभाषा दे रहा है, कानून की परिभाषा दे रहा है। क्या कर रहा है? विधि की परिभाषा दे रहा है। अभी तक हमने, देखो छोटी सी बात यह है बेटा कि हमने अब तक जो भी चीजें सुनी है, अच्छा ये लॉ है, अच्छा ये कानून है, अच्छा ये होता है कानून को, के बारे में सुना है आप लोगों ने, लेखपाल के ऊपर जो होते हैं, ठीक है? तो क्या था, हमने सुना था लॉ, कानून, विधि, है ना? ये सारी चीजें हमने क्या करी थी बेटा, सुनी थी ना? उसी के संबंध में ये परिभाषा दे रहा है। ये बताता है आर्टिकल 13, क्या बताता है? हमारे कानून की परिभाषा। क्या बता रहा है? कानून को परिभाषित कर रहा है आर्टिकल 13। परिभाषित क्यों कर रहा है कानून को परिभाषित? ये मौलिक अधिकार में इस आर्टिकल 13 का क्या मतलब था? आर्टिकल 13 तो आर्टिकल जो है, जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है बेटा, उनसे इसका क्या मतलब है? क्यों यहाँ पर कानून की परिभाषा को दिया गया है? यहाँ पर तो ये तो कोई हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये तो कोई चीजें नहीं है, तो इसको क्यों बताया गया? इसको इसलिए बेटा यहाँ पर कानून को परिभाषित किया गया है क्योंकि हमने जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसे कानून के द्वारा छीना ना जाए, उसे कोई भी कानून छीन ना ले, इसलिए यहाँ पर कानून को परिभाषित करना अनिवार्य था। और कौन कौन से कानून, कैसे कैसे चीजें होंगी, वो समय समय पर कोड क्या करेगा, उसको परिभाषित करता रहेगा। अभी समझाते हूँ कैसे, मेरे कहने का मतलब मैं समझाती हूँ। देखो, परिभाषित करने से मतलब कानून कितने तरीके के होते हैं। एक आदेश भी, यानी एक आदेश भी कानून है। किसी मजिस्ट्रेट ने एक आदेश कर दिया, वो कानून है। प्रेसिडेंट ने अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस पारित कर दिया, वो कानून है। बाकी तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो क्या क्या कहलाता है? बुक ऑफ लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा? क्या कहलाता है? बुक ऑफ लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है? कानूनों की एक किताब कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता? स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात समझाई थी ना बेटा, तो वही चीज है। एक अधिकारी द्वारा दिया हुआ कोई आदेश, वो भी एक कानून के रूप में आएगा। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि कानून कितने प्रकार के होते हैं, कानून कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ये परिभाषित किया गया है। कानून की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, ठीक है? अब समझो, यहाँ पर परिभाषित कानून को किया तो गया, ठीक है, समझ में आ गया मैम। लेकिन यहाँ पे कानून को जब परिभाषित किया गया, तो इसमें कुछ ऐसी बातें भी तो होंगी जो मौलिक अधिकार के संबंध से हो, मौलिक अधिकार से संबंध रखती हो, बिल्कुल है।
वो क्या है? आप देखो, छोटी छोटी बातों को समझते हैं और ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन आर्टिकल 13 को समझना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, वैसे तो ये समझाने वाला था भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, जो मुझे पता है वो आपको भी पता होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब बेटा ये है, पहली बात तो आर्टिकल 13 विधि के बारे में, मतलब विधि को परिभाषित करता है, साथ ही साथ ये भी बताता है। अब देखो क्या बताता है, 1950, 1950 को दिन कौन सा था बेटा? 1950 मैंने क्यों लिखा है, ये क्यों मैं बार बार इसको बोलती हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को उसी में उसी दिन क्या किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, हमारे संविधान को उसी दिन लागू किया गया था। ठीक है, अडॉप्ट तो 1949 में कर लिया गया था, लेकिन क्या किया गया था, इसे इंप्लीमेंट कब किया गया था, 1950 में किया गया था, किया गया था ना, किया गया था। तो वही चीज मेरे कहने का मतलब है बेटा कि कहा जाता है कि यहां पर कहा जा रहा है 1950 के पहले, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोग आजाद नहीं थे, तो हमारे देश जो हमारे पर रूल कर रहे थे, जो हमारे पर शासन कर रहे थे, उन्होंने कुछ कानून बनाए होंगे ना, उसी के संबंध में ये जानकारी दे रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, बिफोर बिफोर लॉ। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि 1950 के पहले, यानी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, या फिर रूढ़िवादी, एक अभी समझाती हूँ सारी बातें। ठीक है, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, या फिर जो राजा थे, जो भी उन्होंने कानून बनाए थे जब वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, वो कानून समाप्त नहीं होंगे। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में का ये मूल ढांचा है, क्या है ये मूल ढांचा है, इसमें हम कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? तब तक नहीं कर सकते जब तक ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना करे, जब तक हमारे मौलिक अधिकारों से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। इन द सेंस बेटा, ऐसा कोई भी कानून जो हमारे 1950 यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले बना था और वो हमारे मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचा रहा है, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों पर जा करके हमें हस्तक्षेप कर रहा है हमारे मौलिक अधिकारों में, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी कानून। अभी एक छोटे सी एग्जाम्पल को लेके मैं समझाती हूँ मैं कैसी किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। ऐसा कोई भी कानून जो पहले बना था 1950 के पहले, और वो आकर के अगर हमारे मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब देखो, कानून से मतलब ये हो गया बेटा, पहले तो क्या था, जिसका जैसा मन कर रहा है वैसा कानून बन जा रहा है। पहले रूढ़िवादी प्रथा चलती थी, पहले ये होता था कि किसी से शोषण करके कितना भी काम करा लो, लगान ले लो, ऐसे टैक्स कर लो, वैसे टैक्स कर लो, सती प्रथा थी, कितनी सारी ऐसी चीजें थी। उसमें का एक एग्जाम्पल छोटा सा देखो, पर्सनल लॉ से रिलेटेड क्या था, मतलब हिंदू सिख मुस्लिम्स इन सब ने अपने अपना धर्म के रिलेटेड एक पर्सनल लॉ था, मतलब उनके अपने कानून थे, बनाया गया था पर्सनल लॉ कह करके। क्या किया गया था? पर्सनल लॉ कह करके कानून बनाया गया था। समझ आ रही है ना मेरी बात? पर्सनल लॉ कह करके धर्म से रिलेटेड एक कानून बना था, धर्म से रिलेटेड उसमें कानून था, जो क्या होता है, आज अगर जैसे उस पर्सनल लॉ में था धर्म से रिलेटेड, एक बात धर्म से रिलेटेड, अगर आपने सुना हो तीन तलाक का मुद्दा, सुना हो तीन तलाक का मुद्दा, या फिर स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार कि ये बालिक नहीं है, ना बालिक है, शादी कर दो, ऐसे कुछ चीजें थी जो पहले चलती थी और आज क्या है वो समाप्त कर दी गई है। आज क्या है वो समाप्त कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। तीन तलाक के तहत हमारे देश में रह रहे नागरिकों के तहत, हमारे देश में जो नागरिक रहते हैं बेटा, उसमें जो महिलाएं हैं वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था, हनन कर रहा था। इन द सेंस कि तलाक 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 कह करके किसी को आप तलाक नहीं दे सकते हैं, ये अधिकारों के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध था। तो जब ये केस हुआ, इस केस से रिलेटेड हमारे जो सरकार है, मतलब योगी जी की जो सरकार है, उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा, चुप रहो,
ये मौलिक अधिकारों का हनन है, तो उसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटा, रद्द कर दिया गया। तो पर्सनल लॉ के अंतर्गत ये चीजें आ रही थी। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे मौलिक अधिकारों का जो 1950 के पहले के कानून है वो अगर हमारे मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आप समझो, समझ आ गई ये वाली बात। अब कहने का मतलब ये है, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का अधिकार किसको है, पार्लियामेंट को है, किसको है, संसद को है ना। क्या संशोधन करिए, ये जोड़िए, वो जोड़िए, यहाँ करिए, ये करिए, जो करना है करिए। लेकिन कहा गया कि आप पिछली, मतलब प्रीवियसली 1950 के पहले के ढांचे को हाथ नहीं लगाएंगे, और प्लस मौलिक अधिकारों के चलते, मौलिक अधिकारों के चलते आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा। संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी, पार्लियामेंट, मेरी कहने का मतलब है पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे कि क्या दिक्कत हो बेटा, मौलिक अधिकारों को हमारे दिक्कत हो। तो ये अगर इन्होंने बनाया और मौलिक अधिकारों पे हस्तक्षेप हो रहा है, किसी व्यक्ति ने आकर उस पर केस कर दिया, तो क्या होगा, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगी। क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी। मैंने ये बात समझा दी है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, व्याख्या करना होता है, वो समय समय पे बताएगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। इस पर विवाद भी खड़े हुए थे, इस पर विवाद भी खड़े हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या बोला, ऐसा नहीं हो सकता, आप करिए संशोधन, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दिया जाएगा कि आप किसी के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करेंगे। मतलब जो हमारे राइट्स हैं उनको कोई भी इतनी आसानी से उसमें संशोधन या कुछ भी नहीं किया जा सकता जब तक वो हमको चोट ना पहुंचाए, जब तक हमारे मौलिक अधिकारों को चोट ना पहुंचाए। अभी जितनी बातों पे मैं यहाँ प्रेशर दे रही, जो मौलिक अधिकार की बात करूंगी आर्टिकल के चलते, तो वहां पर एक बात है, तो उसमें आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम ने प्रीवियसली बताया कि कोई भी हस्तक्षेप हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं होगा, तो किस हद तक नहीं होगा ये भी बात होगी। आप समझो, साथ ही साथ आर्टिकल 13 क्या करता है बेटा, कि अगर मौलिक अधिकारों को, जैसे अगर आपको स्वतंत्रता दी गई, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, कहीं भी बैठो, कहीं भी जाओ, कुछ भी कर सकते हो, किसी जगह रह सकते हो, कहीं भी कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जाना आना चीजें करना, लेकिन अगर आप किसी के, मान लेते हैं किसी के घर में जाकर अगर आप बंदूक तान के खड़े हो जाओ और उससे कह दो कि मेरा अधिकार है चिल्लाना, एक्सप्रेस करना, लिबर्टी दी गई है ना आपको एक्सप्रेशन की, तो अगर आपको एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है और आप जाके किसी को ऑन रोड दो थप्पड़ खींच के मार दो और आप उसे ये कहो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, तो ये क्या सही होगा? तो आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि अगर आप किसी के मौलिक अधिकारों, अपने मौलिक अधिकारों के चलते किसी और के मौलिक, अगर आपके पास ये आजादी है तो क्या उसके पास इस बात की आजादी नहीं है? तो साथ ही साथ ये कह रहा है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मौलिक अधिकार अल्पीकृत कर दिए जाएंगे, मतलब अपने आप कम कर दिए जाएंगे, ठीक है? तो उसका उपचार भी है, तो आप एक हद में रहकर चीजों को करें। तभी मैंने कल कहा था हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो सीमित है, सीमित है, मतलब ये तो गए हैं लेकिन उसको एक सीमा तक यूज किया जा सकता है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या बेटा, आर्टिकल 14, 12, 13 हमने समझ लिया, ठीक है, हमने कानून की परिभाषा को समझ लिया, ठीक है। साथ ही साथ इसके चलते, आर्टिकल 13 के चलते सारी बातें हमने ये भी जान ली कि हमारे मौलिक अधिकार एक हद तक ही चल पाएंगे, अदरवाइज हमने ऐसा कोई भी काम किया जिससे दूसरे के मौलिक अधिकारों को हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसके मौलिक अधिकारों पर चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो अपने आप अल्पीकृत यानी कम कर दिए जाएंगे। समझ आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे डिस्कस करने वाली, देखते हैं आगे क्या है। इसमें कुछ भी लिखने वाली बात ही नहीं बेटा, अगर आपको फिर भी लिखना है तो आप लिख लो, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ। क्या लिख सकते हो आप, हियर इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ।
आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, कानून को परिभाषित कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, किसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है, लॉ को डिफाइन कर रहा है। अब लॉ में कौन कौन से लॉ आ सकते हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी लिख लो, नहीं कहोगे मैम ने तो कुछ भी लिखने के लिए दिया है। डेफिनेशन में आप जैसे लिख सकते हो कि अगर किसी प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पारित किया गया, क्या किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस दिया गया, यानी कि अध्यादेश, क्या दिया गया, ऑर्डिनेंस दिया गया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, लॉ है, क्या है, लॉ है, ठीक है। अधिकारी द्वारा कोई आदेश दिया, ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर दिया गया किसके द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, डीएम के द्वारा, किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, कोई आपने देखा होगा आदेश दे दिए जाते हैं अक्सर, क्या होता है, आदेश दे दिए, बड़े बड़े अधिकारी क्या करते हैं, आदेश दे देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का कानून है। रूढ़िवादी प्रथा, यानी कि रूढ़ी, लिखो इसको रूढ़िवादी प्रथा, मुझे इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश याद नहीं आ रही है, रूढ़िवादी मतलब मुझे नैरो माइंडेड आप कह सकते हो, ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड कह सकते हो, आपको जो भी कहना है, रूढ़िवादी सोच की एक बात हो रही है। तो ये भी एक प्रकार का क्या था, कानून था, रूढ़िवादी प्रथा की बात हो गई, अध्यादेश की बात हो गई, लॉ तो आप जानते ही हो, कानून तो आप जानते ही हो, कानून तो होता ही होता है, मतलब इसमें हर तरीके के कानून के बारे में बताया गया है कि किस किस तरीके, किन किन चीजों को कानून कहा जाता है, एक आदेश भी एक कानून है, ठीक है। तो ये परिभाषित कानून की परिभाषा को बता रहा है, मतलब आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, कानून को परिभाषित कर रहा है, ठीक है। लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लो भाई, ठीक है, लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, लिख लिया होगा आपने या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 14 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 के अंतर्गत क्या आता है, आर्टिकल 14 की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अब देखो फंडामेंटल राइट्स को समझो, अभी आर्टिकल को छोड़ो, फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं। पहला फंडामेंटल राइट हमारे पास क्या है, पहला फंडामेंटल राइट हमारे पास है बेटा समता का अधिकार, क्या है, समता का, समता, समानता, समता, समानता, बराबरी, या फिर हाँ समता समानता बराबरी का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, किसकी बात कर रहा है, ये पहला फंडामेंटल राइट है हमारा, क्या है बेटा, ये पहला फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये पहला फंडामेंटल राइट है हमारा। हमारे पास पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन अभी 6 हो गए, कैसे हो गए वो भी बताती हूँ। राइट टू इक्वेलिटी पहला, राइट टू इक्वेलिटी 14 से 18 तक है ये। आप कहोगे मैम ये 14 से 18 क्या है, 14 से 18 है हमारे आर्टिकल्स, क्या है बेटा, 14 से 18 क्या है, आर्टिकल्स है, ठीक है, आर्टिकल्स है 14 से 18 तक। आप देखो समता का अधिकार को समझो, इक्वालिटी के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हो, बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी को आगे समझेंगे कि किस किस चीज में इक्वालिटी आपको मिली है। 14 से 18 आर्टिकल है तो कुछ तो डीप बातें होंगी ही, मैं चाहूं तो यहाँ पर इस सेशन को खत्म कर सकती हूँ और कहती हूँ समता का अधिकार या फिर राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के अंतर्गत दिया, लेकिन आपको अंदर की बातें पता नहीं चलेंगी, किस किस चीज में आपको इक्वालिटी मिली है इसके बारे में बात कर लेंगी बाद में, लेकिन अभी समझो समता का अधिकार क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है। कहने का मतलब, अभी मैंने आपको आर्टिकल 13 को समझाया, आर्टिकल 13 इसी बात को परिभाषित कर रहा है, किस बात को, कि लॉ, लॉ को परिभाषित उसने किया, तो वही बात हो रही है बेटा, आर्टिकल 13 संबंध कुछ आर्टिकल से रखता है, आर्टिकल 13 जो है वो बाकी के कुछ आर्टिकल से संबंध रखता है, ठीक है, इसीलिए उसको परिभाषित किया गया। अब बात यहाँ पे समानता की हो रही है, तुम छोटे हो मैं बड़ी हूं, मैं छोटी हूं तुम बड़े हो, मैं अमीर हूं तुम गरीब हो, तुम गरीब हो मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं तुम अमीर हो, इन सारी बातों में इक्वालिटी डिफाइन हो रही है या नहीं हो रही, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अमीर है वो गरीब है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो कम पढ़ा लिखा है,
डिस्क्रिमिनेट हम लोग करते हैं या नहीं करते हैं। भले ही मौलिक अधिकार है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं किसी कोने में अखबार को पकड़ लेते हैं और चाय पीते हुए इस बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो गलत है। राइट टू इक्वालिटी सबको मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? कानून के समक्ष जब आप खड़े होंगे, कानून के सामने जब आप खड़े होंगे, तो कानून ये नहीं देखेगा कि क्या क्या नहीं देखेगा कि तुम बड़े सीधे दिख रहे हो, अच्छा तुमको कम सजा देंगे, अच्छा ये अमीर आदमी है इसको ज्यादा सजा मिलेगी, या गरीब आदमी है इसको ज्यादा सजा मिलेगी, अमीर को कम मिलेगी, इसी के बारे में बता रहा है। मतलब कानून के समक्ष में, लॉ के समक्ष में क्या होता है, आपको इक्वल समझा गया है। समाज में आपको समानता इसीलिए दी गई है ताकि आपके साथ मतभेद ना हो। किस बारे में मतभेद ना हो, ये हम आगे पढ़ेंगे, किन किन चीजों में आपको इक्वालिटी दी गई है, क्यों इक्वालिटी की बात करी गई है। हमारे संविधान को बड़े ही प्यार से और बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, एक एक ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बेटर डिफाइन किया गया है, जिसमें मतलब इतनी सोच भी नहीं हो सकती हम लोगों की, आज की जनरेशन की। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग नहीं है, लिटरेट तो है, साक्षरता तो है, साक्षरता क्या अच्छा अनुपात है हमारे पास, लेकिन साक्षर होना सिर्फ नहीं होता है, एजुकेटेड होना भी एक बात होती है। एजुकेटेड होना और साक्षर होने में अलग अलग फर्क है, मतलब एक नॉलेजेबल व्यक्ति होना और एक एजुकेटेड व्यक्ति होना दोनों अलग चीजें हैं। यही बात है बेटा कि समता का अधिकार से मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पे सबको समान समझा जाएगा, इसी का अधिकार हमें दिया गया है। ये पहला फंडामेंटल राइट है जो 14 से 18 के अंतर्गत आता है, लॉ के सामने या फिर समाज में अगर आप खड़े हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि आप अमीर हो या गरीब हो, या आप हिंदू धर्म के हो। हमारा देश कैसा है, हिंदू बहुल देश है, यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज्यादा हिंदुओं की है, तो क्या हमारे देश में मुस्लिम्स वास नहीं करते? करते हैं ना, वो भी तो करते हैं ना, तो क्या होता है, क्या हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेट अगर ये नहीं दिया होता तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? होता, लेकिन अधिकार दे दिया गया है तो सब हाथ में है, सीमा में है, सबको अपने अधिकारों के बारे में पता है कि चलो ठीक है, इतना तो पता ही है कि अगर सामने वाला बदतमीजी नहीं कर रहा तो हम भी नहीं कर सकते, अदरवाइज कोर्ट क्या करेगी, सजा देगी, ठीक है। इसके बारे में बताया गया, समता का अधिकार समझ में आया। आगे मैं आपको जब आर्टिकल पढ़ाती चलूंगी ना, एक एक आर्टिकल को डिफाइन करूंगी, 14 से 18 है तो कुछ तो हो गई, बहुत लंबा सेशन चलने वाला है ये, तो बोर मत होना और डटे रहना, क्योंकि जानना है तो समझो 14 से 18 के अंतर्गत है बेटा, किस किस चीज में आपको इक्वालिटी मिली है ये मैं आगे चल के आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब सेकेंड फंडामेंटल राइट क्या है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बेटा स्वतंत्रता का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम आपको दिया गया है। किसमें दिया गया है? आर्टिकल 19 से 22, 14 से 18 तो यही हो गए, 14, 15, 16, 17, 18 पांच हो गए, अब यहाँ पर 19 से 22 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल्स कितने हैं बेटा यहाँ पे? 19 से 22 हैं। आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ है इसमें? 19 से 22 हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, स्वतंत्रता के अधिकार से मतलब ये है कि हमारे देश में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता किस चीज की है वो हम आगे चल के समझेंगे, अभी समझो स्वतंत्रता की छोटी सी डेफिनेशन को समझो। हम इस राज्य में रह रहे हैं, इस स्टेट में रहते हैं, मैं यूपी से हूँ, आप पता नहीं कहाँ से हो, अपने अपने बारे में बताना। अभी तो मुझे लगता है कि सब कितने हो यूपी से ही हो, तो क्या होता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हो इसका पर्पज नहीं है। आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, कुछ चीजें हैं, कुछ क्लॉज हैं जो ही अंदर बताई गई है, मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं अपने देश के अंदर, अपने देश के अंदर घूमने जा सकते हो। कि आपको अगर हम यूपी में हैं, यूपी से अगर हमें गुजरात जाना है तो क्या हमें वीजा की जरूरत है, या अपने सीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं मुझे उसमें जाना है तो मैं जाऊं घूमू जाके? नहीं करना पड़ेगा ना, घूमने जा सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है, आप कहीं भी जाओ घूमो। आप पार्क में बैठना चाहते हो, बैठो, आप बैठो, कोई इशू नहीं है। आप जाके रिपोर्ट कराना चाहते हो पुलिस स्टेशन में,
आप जाके आपके साथ कुछ गलत हुआ है और जाके रिपोर्ट कराना चाहते हो, उसकी स्वतंत्रता है। आप कुछ बोलना चाहते हो, राइट टू स्पीच, आपके पास स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये सब क्या है, आपके पास किसी देश में रहने के साथ साथ आप किसी भी स्टेट में नौकरी पा सकते हो, इस बात की क्या है, आपके पास स्वतंत्रता है। इस बात की क्या है बेटा, स्वतंत्रता है आपको, आप स्वतंत्र हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, आप ही हो जो हो, ठीक है।